हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 24 अगस्त की कुछ पिक्स हैं यहाँ पे, विल डिस्कस देम। बट उससे पहले विल डिस्कस आज के मार्केट में कैसे शेयर्स रहे थे जो मैंने आपको सजेस्ट किए थे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज। सो पहला स्टॉक मैंने आपको कैडिला बताया था, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली गई यहाँ पर। एज आई हैव टोल्ड यू, कैडिला में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली जाएगी आगे आने वाले टाइम में भी, बिकॉज इसके 3 डोज की वैक्सीन अप्रूव हो गई है एंड इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। अभी आने वाले टाइम में इसकी 2 डोज की वैक्सीन भी अप्रूव हो जाएगी, फिर उसके बाद इसमें और ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको इन्फोसिस बताया था, इन्फोसिस में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ बनाई यहाँ पर एंड इन्फोसिस लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया है, इन्फोसिस में बने रहिए। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको बताया था विप्रो, विप्रो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली, काफ़ी अच्छी रैली बनाई इसने आज की मार्केट में एंड विप्रो आगे आने वाले टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। इनका एक न्यू स्टूडियो लॉन्च हुआ है टेक्सास में फॉर साइबर सिक्योरिटी पर्पज़, तो उसका भी इफेक्ट हमें यहाँ पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको मानकसिया बताया था, मानकसिया में गिरावट देखने के लिए मिली गई, 64.05 पे पहुंच चुका है ये स्टॉक एंड आई सजेस्ट यू कि अभी ये और ज़्यादा डाउन जाएगा देन डू बाय इट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म पेनी स्टॉक है ये, आराम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, इसमें इसके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो करें। एटलीस्ट 1 ईयर के लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, 1 ईयर के लिए आप इसको बाय करके चल सकते हैं, काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो कल की मार्केट के लिए कुछ स्टॉक्स हैं यहाँ पे, विल डिस्कस देम। हमारा पहला स्टॉक है HCL, तो बाइंग लेवल देगा, इसको बाय कीजिए जिस लेवल पे आपको मिल रहा है। स्टॉप लॉस बना के चलिए, 1146 का टारगेट रहेगा आपका, लॉन्ग टर्म टारगेट लेके चलिएगा आप इसमें। HCL टेक में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिली गई, 5% आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट इसमें ग्रोथ देखने के लिए मिली गई। मैंने आपको न्यूज़ अपडेट दिया था, कैडिला को जर्मन कंपनी का 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है एंड इसकी वजह से, इस शानदार न्यूज़ की वजह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है आपको इसमें। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हमारा वोल्टास, बाइंग लेवल रहेगा 967, स्टॉप लॉस बना के चलिए 965 का एंड टारगेट रहेगा आपका 982। तो वोल्टास इंट्राडे का स्टॉक मैंने आपको ये लेवल दिया है इसका, आप इसमें ज़रूर नज़र बना के रखिएगा वोल्टास में। और नेक्स्ट स्टॉक होगा हमारा विप्रो, विप्रो में अगेन सजेस्ट कर रही हूँ आपको बाइंग लेवल 623, स्टॉप लॉस 620, टारगेट रहेगा आपका 650। 650 आप एक मंथ में लेके चलिए, ये आराम से 650 कंप्लीट कर देगा 1 मंथ में, जस्ट कीप इट फॉर 1 मंथ, जस्ट 1 मंथ। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आपका माइंडट्री, माइंडट्री मैंने आपको पहले भी बहुत बार सजेस्ट किया है, तो इसको बाइंग लेवल कीजिए आप इसको बाय 3496, स्टॉप लॉस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, टारगेट रहेगा आपका 4000 1 मंथ में, तो 1 मंथ में 4000 भी कंप्लीट कर जाएगा। 4000 के बाद थोड़ा क्रूशियल लेवल आ सकता है जब यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने के लिए मिला जाए। तो माइंडट्री अभी सबसे हाईएस्ट लेवल पे है अपने, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ आप इसको लेके चलिए, ये 4000 आपको आराम से कम्प्लीट करके देगा, प्रॉफिट कमाइए एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, डू सब्सक्राइब मी फॉर मोर सच वीडियोज़, थैंक यू।